तो कमाने वाली लड़की। इसी तरह एक और चीज आज जो हमारे निकाहों को ताखीर हो रही है, लेट हो रही है, वो क्या मालूम आपको? खानदान छोटा हो, मतलब जिस खानदान में लड़की दी जा रही है या लड़के के लिए लड़की पसंद की जा रही है, वो खानदान कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा खानदान बोले तो कैसा कि कोई भी रिश्ता आता तो बोलते देखो बच्ची दे दो, हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या अच्छा है? तो बोलते एक भी बहन नहीं लड़के को, एक भी बहन नहीं लड़के को, अरे बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे ये रिश्ता तो छोड़ो ही मत। क्यों मत छोड़ो? लड़के को अम्मा भी नहीं है और बहने भी नहीं है, मतलब माता भी इंतकाल होकर बहन भी देती। बोलते सुभान अल्लाह, ऐसे रिश्ते को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, जब सास भी ना हो ननंदे भी ना हो। ओह छोटा खानदान, स्मॉल फैमिली, छोटे छोटे खानदान। अब छोटा खानदान ढूंढते ढूंढते परेशान है, मिलेगा कहाँ से? माशाल्लाह मुसलमानों के खानदान तो बड़े बड़े होते हैं, बहुत कम लोग सोफिस्टिकेटेड खानदान बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है? तो बोले नहीं, छोटा खानदान, छोटा खानदान सुखी खानदान रहेगा, बच्ची खुश रहेंगी, कम लोग रहेंगे, है ना? समझ रहे आप? ये कौन सी सोच है, ये कहाँ की सोच है? ये क्या इस्लाम ने कहा कि छोटा खानदान अच्छा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी औरतों से निकाह करो जिनसे औलाद ज्यादा पैदा हो, इसलिए कि रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। बड़े खानदान की बात हो रही है और आप छोटे की बात कर, समझ रहे हैं बात? छोटा खानदान भी वजह शादी जल्दी नहीं होने की। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।